आज हम हिंदी में पढ़ते हैं वाच्य। वाच्य क्या होता है? वाच्य एक कथन होता है ना, स्टेटमेंट होता है, जिससे ज्ञात हो कि हमारा जो वाक्य है सेंटेंस, वो कर्ता की जिस वाच्य में क्या होता है, जिसमें जिससे ज्ञात हो कि वाक्य में क्या हो, कर्ता की प्रधानता है कि कर्म की प्रधानता है कि भाव की प्रधानता है, ये पता चल सके। हाँ, और इसी चीज को जानने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? वाच्य पढ़ते हैं। कौन सा? क्लियर। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कर्तृवाच्य, पहले नंबर में कर्तृवाच्य, नाम से क्लियर, कर्ति, कर्ता की प्रधानता, इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। नियम, इसका कुछ रूल्स है ना, कि हम पहचान सकें कर्ता, इसमें कर्तृवाच्य नंबर में क्या है रूल, नियम नंबर वन में कर्ता के लिंग वचन के अनुसार ही क्रिया के लिंग वचन का प्रयोग होता है, नंबर वन। दूसरा, कर्ता हमेशा कर्ता कारक में ही प्रयुक्त होता है। तीसरा, इसमें अकर्मक तथा सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं प्रयुक्त होती है, दोनों प्रकार से जो है ना, जो अकर्मक और सकर्मक क्रिया है ना, दोनों प्रकार की क्रिया क्या है इसमें प्रयुक्त होती है, प्रयोग किए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं, है ना, ट्रांजिटिव वर्ब, इन ट्रांजिटिव वर्ब, उदाहरण वर्ब है ना। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, राम घर जाता है, यहाँ पर देखिए आपका इसके अनुसार से हो रहा है, यहाँ पर क्रिया कर्ता के लिंग वचन के अनुसार ही क्रिया के लिंग वचन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर कर्ता जाता है, राम घर जाता है, बच्चे पाठ पढ़ रहे हैं, बच्चे प्लूरल फॉर्म में रहे हैं, बच्चे पाठ पढ़ रहे हैं, किसकी प्रधानता है? कर्ता की प्रधानता है, बच्चे की प्रधानता है। रोगी उठ बैठ नहीं सकता, रोगी उठ बैठ नहीं सकता, नौकर सब्जी लाएगा, इस प्रकार से ये इसमें किसकी प्रधानता है? कर्ता की प्रधानता है ना। नेक्स्ट देखते हैं कर्तृवाच्य के बाद है ना कर्मवाच्य। कर्मवाच्य इसमें कर्म की प्रधानता होती है, ठीक है। कर्म क्या, इसमें कर्ता, इसमें नियम भी देख लेते हैं, इसमें कर्ता हमेशा करण कारक में प्रयुक्त होता है। कर्ता किसमें प्रयुक्त होता है? करण कारक। करण कारक के चिन्ह क्या होता है? करण से के द्वारा। सेकेंड, केवल सकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, ये जो है पॉइंट याद रखें, क्या तीनों रूल्स है, लेकिन इसको देखिए आप लोग, इससे पहले जो भाववाच्य में कर्तृवाच्य में क्या पढ़े थे कि इसमें जो कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं शामिल होता है ना, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल सकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है, किसमें? कर्मवाच्य। तीसरा, कर्म के लिए वचन के अनुसार ही क्रिया के लिए वचन का प्रयोग होता है, इसमें ये दोनों में कॉमन है ना, कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य में, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है, उसमें दोनों सकर्मक और अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता था, इसमें केवल सकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है, ठीक है, इसमें कर्मवाच्य। अब देखते हैं कि आप लोग को इसमें यहाँ पर दिया हुआ है कि कर्ता हमेशा कर्म कारक में ही प्रयुक्त होता है। कर्ता तो समझ में आ गया ना, कर्ता किसे कहते हैं है ना, जो किसी कार्य को संपादित करे, जो किसी कार्य को करे उसे ही हम कर्ता कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग को थोड़ा ये भी समझ में आना चाहिए कि कर्ता क्या है, क्रिया क्या है ना, कर्म क्या है, इसको शॉर्ट में समझा देता हूँ। जैसे राम फल खाता है, ठीक है, ये क्या है सेंटेंस, राम फल खाता है, तो कौन फल खा रहा है? राम फल खाता है ना, तो खाने का काम कौन कर रहा है? राम। तो राम क्या हो गया? कर्ता हो गया, कौन सा क्रिया है। अब यहाँ पर देखते हैं कि राम क्या कर रहा है, राम क्या कर रहा है, तो क्या कौन सी क्रिया कर रहा है? खाने का काम कर रहा है, खाता है, तो खाना क्या हो गया? क्रिया। और जो बच गया वो क्या हो गया?
ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म, ये क्या हुआ आपका कर्म हुआ। तो मान के चलिए एक सेंटेंस में कर्ता कर्म और क्रिया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको, है ना। जैसे जो कोई भी काम करे वो कर्ता, किसी कार्य का बोध हो, कुछ कार्य, खाना पीना, सोना उठना बैठना, चलना दौड़ना रोना, ये जितने हैं सब क्या है क्रिया है। और कर्ता को प्रश्न पूछने पर, और थोड़ा मैं इजी कर देता हूँ आप लोगों के लिए, कर्ता को प्रश्न पूछने पर प्रत्युत्तर के रूप में जो जानकारी प्राप्त होती है उसे ही हम क्या कहते हैं कर्म कहते हैं। अब देखते हैं, प्रश्न पूछ के देखते हैं, राम जी को प्रश्न करते हैं, ठीक है, अब क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, तो रामचंद्र जी क्या आंसर देंगे, फल खा रहे बोलेंगे ना, प्रत्युत्तर के रूप में। कर्ता को प्रश्न पूछने पर वो जो उत्तर दे वही क्या होता है कर्म होता है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर, ओके, देन कर्ता क्लियर और कर्म आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं उदाहरण की ओर, बच्चों द्वारा पत्र लिखे गए, बच्चों द्वारा पत्र लिखे गए, यहाँ पर जो क्या लिखा है कर्ता हमेशा करण कारक में प्रयुक्त है, करण किसके द्वारा होता है, करण का चिन्ह क्या होता है, करण से के द्वारा, तो यहाँ पर बच्चों द्वारा, यहाँ पर करण कारक में प्रयुक्त हुआ ना सभी सेंटेंस द्वारा द्वारा द्वारा, है ना, इसमें कर्मवाचक प्रधानता है। और किस क्या लिखे, प्रश्न कर रहे ना बच्चे से क्या लिखेंगे, तो पत्र कर्म की प्रधानता है ना, पत्र गीत है ना, और नौकर द्वारा दही लाई गई, वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचना की, किसकी रचना की गई, तो रामायण की रचना की गई। नौ कॉन्सेप्ट क्लियर, भाववाच्य कर्तृवाच्य कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। इसमें भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है, किसकी प्रधानता होती है, भाव की प्रधानता होती है। अब देखते हैं नियम नंबर वन, कर्ता हमेशा कर्म कारक से प्रयुक्त हो, इसमें भी यही, इसमें कर्ता हमेशा कर्म कारक में प्रयुक्त, इसमें भी कर्ता हमेशा कर्म कारक में प्रयुक्त होता है, केवल अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है। देखिए आपका जो कर्तृवाच्य में थे सकर्मक और अकर्मक दोनों का प्रयोग हुआ, कर्मवाच्य में केवल और केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ, और जो भाववाच्य है उसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, अर्थात है ना नकारात्मक अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है ना, तो सकारात्मक सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है ना, और है ना किसका प्रयोग होगा इसमें केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा। इसमें क्रिया का एक ही रूप प्रयुक्त तो होता है, अन्य पुरुष एक वचन पुल्लिंग में क्रिया का प्रयोग होता है। चलिए इसको भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, उदाहरण से समझते हैं, रमेश से गाया नहीं जाता, ये भाव उत्पन्न हो रहा है क्या, और ये क्या है अकर्मक है ना। राकेश से चला जाता है, राकेश से चला जाता है मीन्स यहाँ पर चला जाता है मीन्स चलने में असमर्थ, अब चला जाता है ना, ये भाव उत्पन्न होता है। रमेश से गाया नहीं जाता मीन्स गाने में वो क्या है असमर्थ है हाँ, यहाँ पर भाव, ये किसका उदाहरण है भाववाच्य का। नेक्स्ट है कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के कुछ नियम जिसको हम लोग समझेंगे, एग्जाम में पूछ देते हैं कि कर्तृवलिंग वाक्य को कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलिए या कर कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करिए। तो देखते हैं कर्ता को कर्म कारक में बदलते हैं, सबसे पहले नियम ये है यदि सेंटेंस को कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना हो तो कर्ता को कर्म कारक में बदलते हैं, कर्म के अनुसार क्रिया के लिए वचन का प्रयोग करते हैं, यदि क्रिया अकर्मक हो तो उसे सकर्मक क्रिया के रूप में भी प्रयुक्त करते हैं, अकर्मक को सकर्मक में चेंज करना पड़ता है। जैसे राम पत्र पढ़ता है कर्म कारक द्वारा, राम द्वारा पत्र पढ़ा जाता है, राम द्वारा पत्र पढ़ा जाता है ना। नेक्स्ट है बच्चों ने खाना खाया, बच्चों द्वारा खाना खाया गया, राकेश चित्र बनाएगा, राकेश द्वारा चित्र बनाया गया, करण से है ना करण से के द्वारा, यहाँ पर कर्मवाच्य कर्म की प्रधानता, पत्र खाना चित्र चिट्ठी इसकी प्रधानता हो रही, द्वारा लगने के बाद
उसने चिट्ठी लिखी, उसके द्वारा चिट्ठी लिखी गई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, है ना। और कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाने के क्या नियम हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाने के लिए क्या क्या जानना जरूरी है। सबसे फर्स्ट, कर्ता को करण कारक के रूप में बदलते हैं। जैसे देखिए, लड़का हंसता है, लड़के से हंसा जाता है, करण से के द्वारा, किससे, लड़के से। केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग करते हैं। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर लड़के से हंसा जाता है, मैं कर्म है क्या, नहीं है। क्रिया अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में प्रयुक्त होती है, एक वचन में है कि नहीं, जाता है, जाता है, रहा जाएगा। देखते हैं, लड़का हंसता है, कर्तृवाच्य स्वभाववाच्य बनाने से लड़के से हंसा जाता है। तारे छिपते हैं, भाववाच्य में तारों से छिपा जाता है, हम वहाँ नहीं पढ़ेंगे, भाववाच्य में हमसे वहाँ नहीं पढ़ा जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आप लोगों का वाच्य कंप्लीट होता है। ओके।